जी, आज के इस वीडियो में पोषण ट्रैकर ऐप में धात्री महिलाओं का पंजीकरण करने जानेंगे। पिछले वीडियो में हमने पोषण ट्रैकर ऐप में गर्भवती महिलाओं का पंजीकरण करने सीख चुके हैं। चलिए, जो हमारे चैनल में नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि कृपया हमें हमारे चैनल पर आकर सब्सक्राइब बटन दबाकर सब्सक्राइब कर दें और सब्सक्राइब के बगल में एक बेल आइकन है उसे दबा दें, ताकि हमारे तरफ से कोई सा भी वीडियो अपलोड होता है तो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। वीडियो पूरी देखेंगे, स्किप नहीं करेंगे। सबसे पहले दो बात ध्यान देना होगा। आंगनवाड़ी सेविका इससे पहले कॉम केयर यूज करती थी। कॉम केयर में धात्री महिला कॉम केयर में अगर धात्री महिलाओं का पंजीकरण कर रही है तो बच्चे का पंजीकरण भी वहीं होता था, लेकिन पोषण ट्रैकर ऐप में इस प्रकार नहीं है। पोषण ट्रैकर ऐप में आपको धात्री का भी पंजीकरण करना है और साथ ही साथ उस धात्री महिला का जो बच्चा है उसका भी पंजीकरण करना है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। पोषण ट्रैकर ऐप आपके सामने दिखा देना चाह रहे हैं हमारे मोबाइल के स्क्रीन पे, ये इसे टच करके हम ओपन करते हैं। हमारे में पहले से ही लॉगिन है। आपका अगर आपके फ़ोन में अगर लॉगिन नहीं है तो अपना मोबाइल नंबर और ओटीपी डालकर सबसे पहले लॉगिन कर लेंगे। उसके बाद सबसे ऊपर में है बेनिफिशरी रजिस्ट्रेशन, इस वाले कॉलम में, ऊपर वाले कॉलम में हम जाएंगे। ये जाने के बाद सेकेंड वाला आता है आपका लैक्टेटिंग मदर्स, ये धात्री माता। धात्री माता में हम जाएंगे क्योंकि धात्री माता का ही पंजीकरण करना है, इसको टच कर रहे हैं। ये आपका लिस्ट खुल जाएगा जितना भी आपने पहले से रजिस्टर्ड है। ये सबसे नीचे है आपका ये बेनिफिशरी, ऐड बेनिफिशरी, इसमें हमें जाना है ऐड बेनिफिशरी। ये कॉलम है, फॉर्म खुल गया एक आपका, इसको भरना है। नेम ऑफ द बेनिफिशरी, ये अगर हिंदी में हो जाता है तो हिंदी में कर लेते हैं, नहीं हो रहा हिंदी में, चलिए इंग्लिश में ही पढ़ते हैं। हाँ, हो गया, धन्यवाद। लाभार्थी का नाम, लाभार्थी का नाम आपको इसमें डालना है, लेकिन लिखना होगा आपको इंग्लिश में ही टाइप करना होगा। आपको लाभार्थी का नाम हम डाल देते हैं सीता कुमारी। लाभार्थी मीन्स गर्भवती, स्तनपान का कर रहे हैं हम, धात्री महिला का पंजीकरण कर रहे हैं, तो धात्री माता का नाम होगा इसमें। पति का नाम राजीव कुमार। आधार संख्या, आधार संख्या डाल दीजिएगा, सही होना चाहिए आधार संख्या, और नाम आधार के अनुसार ही नाम होना चाहिए। स्वास्थ्य आईडी, वो अगर आपको मालूम है तो डाल दीजिएगा एएनएम से आप संपर्क करके। जन्म तिथि डाल दीजिए। जन्म साल ऑटोमेटिक लेगा, वो नहीं ले रहा है, वो भरना नहीं है इसे। मोबाइल नंबर भी आपको बिल्कुल सही डालना है, इस पे ओटीपी जाएगा। डिलीवरी टाइम, आपको डिलीवरी टाइम डालना है। शिशु मेल है या फीमेल, फीमेल में डालते हैं। और ये सबमिट बटन आपके सामने है, सबसे नीचे है रेड वाला सबमिट बटन, इस पर क्लिक कर देंगे। हाँ, ये आ गया, आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजा गया है। आपको जो मोबाइल नंबर आप दिए हुए हैं उस पे ओटीपी जाएगा 4 अंक का, और यहाँ पे आपको डालना है। जब तक आप ओटीपी नहीं डालेंगे आपका पंजीकरण सक्सेस नहीं होगा, अधूरा रह जाएगा। तो ध्यान रहे, आप जिस समय पंजीकरण कर रहे हैं उस समय आपको लाभार्थी के पास रहना है, उसका मोबाइल ऑन रखना है, और जो भी ओटीपी जाएगा आपको इस समय डाल देना है। धन्यवाद। धात्री महिला का पंजीकरण होने के बाद आपको पुनः 0 से 6 महीने वाले ऑप्शन में जाना है, और वहां से बच्चे का भी पंजीकरण साथ ही साथ कर देना है। थैंक यू।